नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय में ही दलितों को आगे करती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है, यह उनका छलावा है। सचिवालय के अफसरों के टैक्सी में पीली के बजाय सफेद नंबर प्लेट इस्तेमाल पर रोक लगेगी। राज्य संपत्ति विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। वहीं सफेद नंबर प्लेट वाली टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है। भाजपा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भी अपराधियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। अपराधी प्रदेश में अपना समानांतर प्रशासन चला रहे हैं। PIL में कहा गया है कि कोर्टों में लंबे अवकाश की परंपरा के कारण केस दायर करने व उनकी सुनवाई प्रभावित होती है। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस पर दीपावली अवकाश के बाद ही विचार करेगी। टीन अगेंस्ट गेमिंग ऐप मामले में ईडी कोलकाता लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके में एक कारोबारी उमेश अग्रवाल के कार्यालय और आवास पर छापेमारी कर भारी मात्रा में धन बरामद किया है। बिग बॉस के नए सीजन में हर गुजरते दिन के साथ घर वालों में नोकझोंक बढ़ती चली जा रही है। नए एपिसोड में भी बीते दिन की तरह ही जबरदस्त बहस देखने को मिली। टीना और शालीन के बीच दरार दिखने लगी है। निमृत और टीना एक दूसरे से बात करते हैं कि शालीन डबल गेम खेल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बेंच के लिए इस पर अभी सुनवाई करना उचित नहीं। हिंदुत्व के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता ही हिंदू देवी देवताओं के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर की पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने इस मामले में मुस्लिमों से तुलना की है। रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती कई मौके पर खरी उतरी है। एक बार फिर जब पाकिस्तान व चीन आतंकवाद के समर्थन पर एक सुर में बोल रहे हैं, वहीं रूस ने एक नक्शा जारी कर इन दोनों देशों की बोलती बंद करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। अस्थि विसर्जन के बाद परिवार के सभी लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए कामना की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।